अस्सलाम वालेकुम। ओपन जेल की दूसरी वीडियो में हम लोग जो आज एक्सरसाइज करेंगे वो होगी पॉइंट्स की मदद से हम लोग एक बिग डिपर जो है वो ड्रॉ करेंगे। बिग डिपर हमारे पास सेवन स्टार्स, ये मैंने उसकी इमेज एक निकाली है। सेवन स्टार्स होते हैं हमारे पास स्काई में, तो उनकी पोजीशन इसको हम लोग ओपन जेल के अंदर ड्रॉ करेंगे। सो इसके लिए बेसिकली पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो समझना पड़ेगा, वहाँ पे कहाँ पे जाके मैं किस पोजीशन पे किस एक्स और वाई की वैल्यू हमें जाके पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा, वो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमें देखा जाए तो ये 520x398 की ये एक है इमेज है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट इसका देखा जाए तुम्हारे एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे जाके बनता है करेक्टली, तो साथ साथ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट अराउंड फोर्थ ऑफ दी, तो हमारे पास वो यहाँ पे आके बनता है एंड उससे डिस्टेंस जो है इसका वो भी तकरीबन 100 तक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया इसका। देन उसके थोड़ा सा स्ट्रेट एंड थोड़ा सा अप जो है एक्स उसके सेम है, एक्स तो चेंज हो ही रहा है, वाई थोड़ा सा उसके उससे ऊपर है, तो एक्स तकरीबन 100 तक चेंज हुआ है एंड वाई थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लगा लिया एंड देन हमारे पास वो स्ट्रेट अवे इन अ स्ट्रेट लाइन वो नीचे आ रहा है एंड अ पॉइंट एट अराउंड 70 डिस्टेंस मार्क पे पॉइंट है यहाँ पे और एक फिर पॉइंट है इसके बिल्कुल सीधे यहाँ पे। देन हमारे पास थोड़ा सा पॉइंट स्ट्रेट था वो, तो इन अ टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए। अभी भी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, सो ये दो पॉइंट अब सही लग रहा है। तो हमारे पास अब इसका जो अगला पॉइंट होगा वो बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर आके आएगा हमारे पास, यहाँ से पॉइंट यहाँ पे है तो इसके अराउंड यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। कंफर्म कर लेते हैं इसको, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आ गया। देन हमारे पास थोड़ा सा डाउन और उसकी साइड पे यहाँ पे करके पॉइंट आ गया एंड देन जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पे करके आ गया। ये हमारा बिग डिपर थोड़ा उससे बड़ा बना है लेकिन यही है। अभी हमने सिर्फ ये पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, लाइन्स हमने कनेक्ट नहीं करनी इसकी। तो हमारे पास ये पॉइंट्स सारे ड्रॉ हो गए हैं, अभी हम लोग इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का क्या क्या बन रहा है। तो हमने बस वो पॉइंट्स वर्टेक्स वाले में ये वाले पॉइंट देते जाना है तो हमारे पास सिंपली वो जो हैं पॉइंट्स ड्रॉ हो जाएंगे। तो हम इसको देख चलें, अभी हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स को देख लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास जो बन रहा है वो 360 देखा जाए तो हमारे पास y जो है वो 363 बन रहा है और हमारे पास जो x है इसमें वो अराउंड 150 बन रहा है। तो इसको 150x एंड 363y, तो पहला पॉइंट हमारे पास जो आ जाएगा, हमारे पास ये पुरानी फाइल लिया जो पिछले का, तो हाँ इसमें 150 हमारे पास x आ गया एंड 363 हमारे पास, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट ड्रा हो जाएगा। इसको कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं, लाइक बैकग्राउंड इसका करते हैं हम लोग ब्लैक एंड जो फॉरग्राउंड है वो वाइट रखते हैं। थोड़ा सा साइज भी इसको पॉइंट का बड़ा कर लेंगे ताकि मैंने बैकग्राउंड उसका ब्लैक कर दिया, ये हमारे पास पहला पॉइंट वैसे आ गया था। पॉइंट फाइव में नेट्स ओके। सो सेकंड पॉइंट हमारा जो बनेगा वो बनेगा एक्स के अलोंग, तो हमारे पास जो है अराउंड इसके हाफ जा रहा है तो 80-240 पे ये एक्स आ रहा है एंड 370 कर लेते हैं इसको, सो इट्स 240 एंड 370। सेकंड पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा 240 एंड 370। सो इसको देख लेते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो किस तरीके से ड्रा हो गया। सो हमारे दो पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा हो गए हैं
हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो एक्स पे 315 कह सकते हैं एंड वाई पे ये थोड़ा सा डाउन हो गया है तो 30 पॉइंट्स. इसका जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से 120 है तो आई थिंक 40 तक डाउन हुआ है. 320 लगा लेते हैं, 320 एंड 315 जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो होगा 315 एंड इसका वाई जो हमने चूज किया था वो 320. सो हमारा थर्ड पॉइंट भी विजिबल होगा हमें. इट्स लाइक है. उसके बाद हमारा जो पॉइंट नेक्स्ट है वो हमारे पास इट्स लाइक पूरा ये वाला 160 में जाता है तो इसका अराउंड हाफ से थोड़ा सा कम. सो 90 हाफ से थोड़ा कम 70 कर सकते हैं. 70 कर लेते हैं. सो 390 अराउंड 390 इसका एक्स हो गया एंड वाई 260 कह सकते हैं. 390 एंड 260 हमारे पास ये उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया एंड देन बाकी पॉइंट्स हम लोग अब कंटिन्यूसली ड्रॉ कर लेते हैं और फिर एंड रिजल्ट देख लेंगे. जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक ये रह गया और कितने पॉइंट्स ड्रा हो गए, 4 ये 4 हो गए, अभी ये 3 रह गए. फिर तो ये उसके एक्स से थोड़ा सा आगे अराउंड 10 ही आगे, 10 यस 10 आगे एंड उससे 10 इंक्रीमेंटेड वैल्यू एंड ये इसके अराउंड सेंटर में ही लाइक आ रहा है. तो ये टोटल 120 था तो 180 एंड और ये 400 पे. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है यहाँ पे 4 यहाँ पे इससे हाफ पे 5 पॉइंट कम होगा. 120 पूरा पॉइंट 160 आता है. 75 हम लोग कह सकते हैं, 80 भी कहें तो सही है, 80 तक कर लेते हैं. चले 80 में ये होगा कि हमारे पास 560 बन रहा है इसका x और y जो बन रहा है 1140 बन रहा है. सो हमारे पास 540 एंड 560 एंड 140 अभी दो लास्ट पॉइंट रह गए हमारे पास. वो इस पॉइंट को कर लिया था, ये पॉइंट ही रह गया एक. सो एक पॉइंट रह गया हमारे पास. उसमें क्या होगा कि हमने इसको बहुत इससे क्लोज है ये एंड दैट्स अराउंड 610 और इसका वाई जो है वो इसके बिल्कुल सेंटर से थोड़ा कम ही है. सो ये 120 एंड 60 से 55 लगाएं तो वाई जो है 55 प्लस करें 295 आ रहा है एंड यहाँ से जो 610 एंड 295. तो ये हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी बिग टिपर की. इसका रिजल्ट देख लेते हैं. सो अराउंड इसके हिसाब से तो सही बन गया लेकिन थोड़ा सा इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स चेंज करने की बात है. इसको थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं एंड थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करके इसको भी थोड़ा सा ऊपर करें तो ज़्यादा अच्छी शेप बन जाएगी. इसको थोड़ा आगे नीचे लाना है और थोड़ा पीछे लाना है तो 10 पॉइंट्स के काम कर लेते हैं. 80 एंड यहाँ से 600 नाउ इट्स प्रीटी गुड. तो इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं. सेकेंड लास्ट पॉइंट था इसको, इसके वाई थोड़े से 10 पॉइंट ज़्यादा करते हैं. सो इट्स लुकिंग गुड
इनफ ना। तो ये हमारे पास एक बिग पेपर की छोटी सी एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद हम लोग जो बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास लाइंस पे। लाइंस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, सो अगली वीडियो पे हम लोग पूरी वीडियो में हम लोग लाइंस डिस्कस करेंगे, लाइंस कितनी टाइप्स की होती हैं, और लाइंस हम लोग एक्सरसाइजेस भी ड्रॉ करेंगे लाइक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, और एक छोटा सा हाउस बनाने की कोशिश भी करेंगे।